हे hey गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस एक्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज के बारे में हाल ही में स्पेस एक्स ने मोस्ट सैटेलाइट डिप्लॉय किया है इन अ सिंगल लॉन्च सो इसके बारे में और जानते हैं लेट्स स्टार्ट दीडियो स्पेस एक्स ने हाल ही में 143 स्पेसक्राफ्ट एक सिंगल रॉकेट में एक बार में स्पेस में पहुंचाया है अब इससे इंडिया का रिकॉर्ड टूट गया है बिकॉज अर्लियर ये रिकॉर्ड इंडिया हेल्ड करता था बट अब वो रिकॉर्ड होल्डर बन गया है यूएसए का स्पेस एक्स स्पेस एक्स आपको पता होगा इलान मस्क एक कंपनी है जो आज के डेट में एक कमर्शियल आर्म है एक प्राइवेट कंपनी है ये जो अपने आप में बहुत बड़ी है और इनका काम ये होता है कि ये नासा की हेल्प करते हैं जैसे इंडिया में है बहुत सारे फॉर एग्जांपल अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है वैसे ही स्पेस एक्स एक कमर्शियल आर्म है एक प्राइवेट प्लेयर की है ये जो कि नासा की हेल्प करती है स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट में पहुँचाने में ऑल दो इसमें स्पेस एक्स की अपनी बेनिफिट है ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पब्लिक के लिए काम नहीं करती इसके बारे में और भी चीजें जानते हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटैम्प कर लो विच कंट्री इज हैविंग मोस्ट सैटेलाइट इन स्पेस तो आपको बताना है किस कंट्री के सबसे ज्यादा सैटेलाइट है स्पेस में इंडिया चाइना रशिया या फिर यूएसए एज यूजल इसका आंसर मैं वीडियो के में प्रोवाइड करूंगी तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे एक बार कमेंट सेक्शन में अटैम्प करो ना स्पेस एक्स की खुद की एक प्रोग्राम है स्मॉल सेट राइट शेयर प्रोग्राम इसमें यह क्या करते हैं कि जो छोटे कस्टमर्स हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे आपके जैसे जो छोटे कस्टमर्स हैं हमने कुछ सैटेलाइट बना दी अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है एक कस्टमर के लिए वो होता है कि सैटेलाइट को स्पेस में पहुँचाना सैटेलाइट को ऑर्बिट कराना तो इनका काम यही होता है कि ये सैटेलाइट को स्पेस में पहुँचाते हैं एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑब्वियसली ये कस्टमर्स जो रहते हैं वो आपके और मेरे टाइप नहीं होते आई I मीन mean, ये होते हैं रिकॉग्नाइज कस्टमर तो इनकी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने का काम होता है स्पेस एक्स का स्मॉल सेट राइट शेयर प्रोग्राम के तहत सो so, हाल ही में स्पेस एक्स ने जो सैटेलाइट भेजे हैं 143 फोर्टी जो स्पेस में भेजे हैं वो इसी प्रोग्राम के तहत भेजे हैं और उनका नाम रखा गया है ट्रांसपोर्टर वन क्योंकि ये पहली बार है जब इतने ह्यूज नंबर ऑफ सैटेलाइट एक साथ सिंगल रॉकेट में स्पेस में भेजे गए हैं ना जिस रॉकेट में इसे भेजा गया है उस रॉकेट का नाम है फाल्कन नाइन यहाँ पे आप स्पेस एक्स की ट्वीट देख सकते हैं कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ उसके बाद स्पेस एक्स ने ट्वीट किया कि फाल्कन नाइन लॉन्चेस 143 फोर्टी थ्री स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट द मोस्ट एवर डिप्लॉयड ऑन अ सिंगल मिशन तो ये द मोस्ट एवर सेटेलाइट था जो कि एक सिंगल मिशन में भेजा गया कम्प्लीटिंग स्पेस फर्स्ट डेडिकेटेड राइट शेयर प्रोग्राम मिशन तो ये इसके अंडर ये मिशन कम्पलीट हो गया है ना आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा क्या यह रिकॉर्ड पहले भी किसी ने बनाया था तो यस इसका रिकॉर्ड पहले जो था वो इसरो के पास था इसरो ने एक टाइम पे 2017 पे 104 सैटेलाइट एक सिंगल लॉन्च में भेजा था स्पेस ने ना 143 सैटेलाइट एक साथ एक सिंगल लॉन्च में भेजने का रिकॉर्ड बन गया है फाल्कन नाइन स्पेस के पास जिसमें से वन कमर्शियल या फिर गवर्नमेंट स्पेस थे जो कि प्राइवेट यूज़ के लिए थे एंड जो टेन जो है वो स्टार लिंक सेटेलाइट है स्टार लिंक सेटेलाइट क्या होते हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी अभी के लिए ये समझ लो कि जो स्टार लिंक सेटेलाइट है वो खुद स्पेस एक्स की सेटेलाइट होती हैं जिससे स्पेस एक्स समय समय पर ऐसे भेजते रहता है फॉर देयर ओन बेनिफिट सो स्टार अपने आप में एक इंटरनेट कॉन्स्टोलेशन है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है बाई स्पेस इंटरनेट एक्सेस इन जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए इसके अंडर जब आप देखेंगे तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय की जाती हैं लो अर्थ ऑर्बिट आपको पता होगा तीन टाइप की ऑर्बिट होती हैं लो अर्थ ऑर्बिट मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सो ये जो कॉन्सुलेशन है ये सारे लो अर्थ ऑर्बिट में है लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज होती है 2000 किलोमीटर मीन्स अगर आप धरती से नापे तो 2000 किलोमीटर ऊपर तक लो अर्थ ऑर्बिट होती है तो यहाँ पर डिप्लॉय करता है स्पेस अपनी खुद की सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं स्टार लिंक सेटेलाइट ना इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कमर्शियल आर्म हैं फॉर एग्जाम्पल यू में हमने देखा कि स्पेस होती है इंडिया में भी आपने हाल ही में सुना होगा एक नई खुद की गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी इन स्पेस तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इन स्पेस एंड एनएसआईएल जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोनों में क्या फ़र्क है तो सबसे पहले एन देख लेते हैं एन का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कम्प्लीटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है मीन्स ये कम्पलीटली गवर्नमेंट के अंदर होती है एंड ये आर एन डी करती है इसरो के लिए एंड इसरो को बेसिकली ये एक हेल्प प्रोवाइड करती है कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट में नाउ अब हम बात करते हैं इन स्पेस के बारे में तो जैसे इंडिया में आरबीआई होता है आरबीआई क्या करता है वो गवर्नमेंट के अंदर है कम्प्लीटली एंड बैंक्स को रेगुलेट करता है एंड फैसिलिटेट करता है सेम एज इन स्पेस का भी वही काम है इन स्पेस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर तो इसका भी वही काम है ये एक काइंड ऑफ फैसिलिटेटर भी है एंड रेगुलेटर भी है देखो आज के समय में अगर हम देखें तो स्पेस सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं एंड गवर्नमेंट भी चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी इनोवेशन को सामने लेकर आए जो भी स्पेस में जो इनोवेशन कर सकती है गवर्नमेंट उसमें हेल्प जा रही है तो बेसिकली ये क्रिएट किया गया था उनको रेगुलेट करने के लिए ताकि एक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके एज वेल एज सिक्योरिटी का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा सके अगर हम एन के बारे में बात करें तो एन जो है वो सेकेंड कमर्शियल आर्म है इसरो की तो इन स्पेस और एन में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ये एक कमर्शियल आर्म है ना एक और चीज़ आती है अंतरिक्ष कारपोरेशन अब ये क्या है देखो ये भी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो कि कंप्लीटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है फॉर एग्जाम्पल इसरो को कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर उनको कुछ ऐसी सर्विसेज चाहिए क्योंकि इसरो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है वो सब चीज़ों को इसरो कर सकता है आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग किसे कर सकता है वो कर सकता है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिकॉज ये भी कम्प्लीटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है एंड ये कंपेटिवली बहुत पुराना है 1992 में बना था ये कमर्शियली एक्सप्लॉयड करने के लिए स्पेस प्रोडक्ट ऑफ इसरो जो कि टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसरो को एंड अगर हम एन एस आई एल की बात करें तो ये रिसेंटली 2019 में बना था एंड इन स्पेस अभी रिसेंटली 2020 में इसका गठन हुआ था वापस आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर विच इज हैविंग मोस्ट सैटेलाइट इन स्पेस तो इसका आंसर होगा यूएसए एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूएसए तो फर्स्ट नंबर पे है उसके बाद आता है चाइना जो कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल है उसके बाद आता है रशिया अगर आप इंडिया की रैंक पूछे तो इंडिया की रैंक बाद में आती है सबसे पहले उससे पहले आती है जापान की रैंक तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जापान एक बहुत छोटी सी कंट्री है उसके बावजूद भी बहुत सारी सैटेलाइट आज के डेट में इनकी स्पेस में है देन आता है इंडिया सो so, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ आई होप यू लाइक दैट वीडियो थैंक्स फॉर लिसनिंग